हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में योद्धा सीरीज की अगली कॉमिक्स विजेता। यह है दिव्य शक्ति, यह है उस दिव्य शक्ति के स्वामी, यह है उस दिव्य शक्ति का रक्षक, और ये हैं वे जो बनना चाहते हैं दिव्य शक्ति के विजेता। नीचे नरभक्षी बेलों का झुंड मुंह बाएं खड़ा था, जो पल भर में इंसान का सारा लहू चूसकर उसे एक लहू हीन लाश बना देता था, यानी कि उन पर गिरने का मतलब था मौत। उसी मौत की गोद में गिर रहे थे तपराज व योद्धा के पिता तंत्राल। इस भयानक मंजर को देख चीख उठा योद्धा। चंद पलों का फासला बाकी था उनकी जिंदगी और मौत की राह में। असीम शक्ति को एकत्रित कर और लगाया उस महारथी ने जोर लगाया उस महारथी ने जंजीरों की शक्ति उसकी शक्ति का मुकाबला ना कर सकी। लंबी जंप ली योद्धा ने ठीक बाड़े के ऊपर। नहीं, मेरे पिताजी को मेरे रहते मौत छू भी नहीं सकती। विद्युत गति से उसने दिया तपराज व तंत्राल के जिस्मों को धक्का। खूनी बेलों के बाड़े के पार जा गिरे दोनों। योद्धा का भी जिस्म बाड़े के पार जा ही रहा था कि एक बेल ने उछल कर पकड़ ली टांग। तपराज और तंत्राल की आंखों में लहराने लगी भयसागर की लहरें। बाड़े के बाहर खड़ा योद्धा उन खूनी बेलों से जूझ रहा था मुक्ति की खातिर। उफ, बाड़े में से निकलकर एक बेल बाहर के आ गई। पूरी बाड़ी की बेले मेरा खून चूसने को मचल मचल कर बाहर आ रही है। जिंदगी का मौत से शुरू हो चुका था द्वंद। इधर आधुनिक दुनिया में उछल पड़ा WCO का चीफ यानी मिस्टर क्राइम। क्या कह रही हो टेरी? हाँ बॉस, जिंदगी में पहली बार टेरी ने मौत का मुंह देखा है। उस 36 मंजिला इमारत से गिरते वक्त अगर मेरे हाथ में मुंडेर ना आती तो टेरी का नामो निशान इस दुनिया से मिट चुका होता। टेरी, ये बहुत गलत हुआ है कि बैटमैन ढकमान गन ले गया। वही एक ऐसी वस्तु थी जिसके हमारे पास रहते हम योद्धा पर काबू पा सकते हैं। लेकिन वह ढकमानगन हमें तभी दे सकता है जब उसे यह एहसास करा दिया जाए कि योद्धा की जान खतरे में है। यह एहसास उसे हम स्वयं कराएंगे टैरी, क्योंकि अगर बैटमैन यहां से बच गया तो फोर्स लेकर आता होगा। अचानक ही खिड़की के नीचे से झांका टैरी ने उछल पड़ी वह। आपका कहना एकदम ठीक है बॉस, वह आ गया है फोर्स लेकर। नीचे पूरी बिल्डिंग को घेरा डाले खड़ी थी फोर्स, जिसकी डोर थी बैटमैन के हाथों में। मिस्टर क्राइम, तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, अतः चुपचाप स्वयं को कानून के हवाले कर दो। क्राइम के चेहरे पर दृढ़ता उभरी। उसे कहो हम आत्मसमर्पण के लिए तैयार हैं। क्या? यस, मानना ही पड़ा बॉस का हुक्म उसे। बैटमैन, हम आत्मसमर्पण करने आ रहे हैं। एक बार तो स्वयं बैटमैन को भी यकीन ना हुआ अपने पर। क्या सचमुच? हाँ। इधर योद्धा को मौत मौत से जूझते देख ठहाके छोड़ने लगा धूमकेता। योद्धा, आखिर हालांकि तुम्हें मैं अपने हाथों से मौत देना चाहता था, और तेरे पिता व उस तपराज को इन नरभक्षी बेलों की भेंट, मगर सब उल्टा हो गया। नरभक्षी बेलों से मौत तुझे मिलेगी और उन दोनों को मौत दूंगा मैं। बड़ा वो मौत का परकाला तपराज और तंत्राल की ओर। सैनिकों, इसके जिस्म में इतने भाले गाड़ दो कि यमराज भी ना गिन पाए। पर उसी बलगट्ठर की भांति उठा ली योद्धा ने वे खूनी बेलें। वह चीखा और चीखने के साथ ही उसने फेंक दिया वह गट्ठर। तपराज, पिताश्री, आप भाग जाइए। बेलों का गट्ठर गिरा सैनिकों के मध्य। अगले ही पल वे भी थे उस खून की प्यासी बेलों के शिकंजे में जकड़े। आह, बचाओ! धूमकेता ने एक पल भी वहां रुकने की गुस्ताखी न की। यहां से अब तो जान बचाने में ही भलाई है। अब मुझे तुरंत उस गुफा में पहुंच सबसे पहले दिव्य शक्ति हासिल करना है। स्वयं को उन बेलों की नोकों से दूर रखने की भरसक चेष्टा में लगा था योद्धा। एक भी नोक अगर मेरे जिस्म को छू गई तो मेरे जिस्म का सारा लहू पी जाएगी। पर सैनिकों के पास कहां थी इतनी अकल। आह, आई! तभी तो उनकी लाश धड़ाधड़ धड़ा 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 धड़ धड़ाधड़ गिरती जा रही थी। इधर बैडमैन के हाथ में नाच रही थी हथकड़ियां। मिस्टर क्राइम, तुम्हारे हाथ में बिल्कुल फिट आएंगी ये हथकड़ियां। दोनों को हथकड़ी पहना ही रहा था वह दबा दिया क्राइम ने टाइम ट्रेवल का यंत्र व का वह बटन। एक ही क्षण में तीनों के जिस्म होने लगे अदृश्य। देखने वालों की आंखों में लगा हुआ था आश्चर्य का सुरमा। अरे, वे तीनों कहाँ गायब हो गए अचानक? ये क्या जादू किया? जादू ही था वह सब। जबकि क्राइम, टेरी व बैडमैन के जिस्म हो रहे थे ट्रांसमीट 5,000 वर्ष पूर्व काल में। बैटमैन की नजरों में हैरत के बादल मंडरा है। नहीं, दृश्य ऐसा था। देखो बैटमैन, अगर तुम राजी राजी ये ढकमान गन हमें दे दो तो मैं योद्धा को बचा सकता हूं नरभक्षी बेलों से। योद्धा का ढकमान गन पाने की खातिर ही तुमने ये सब किया है? मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं। जबड़े कस गए बैटमैन के। पर ढकमान गन तुम्हें नहीं, योद्धा को ही मिलेगा, कहकर उछाला उसने शस्त्र। बेलों से जूझता योद्धा चौंका। अरे, ढकमानगन! पलक झपकते हुए परलंकारी हथियार अपने स्वामी के हाथ में था। बैटमैन स्टैंड गन कंधे से उतार कर घूमा और
अरे क्राइम, और वह टेरी कहाँ चले गए? टकमानगंज के हाथ में आते ही बिजली भर गई योद्धा के चेस्ट में। एक एक बेल के कई कई टुकड़े कर डाले उसने। मौत के उस जंजाल से निजात पा बड़ा हुआ बैटमैन की तरफ। बैटमैन, आप यहाँ? हाँ योद्धा, पर तुम्हारी साथिन नहीं दिख रही। साथिन शामरी, वह बेहोश है, मगर खोजने की लाख कोशिश करने पर शामरी का आता पता ना मिला। वह कहाँ गई? शामरी को कोई ले तो नहीं गया? एकाएक योद्धा ने थामा बैटमैन का हाथ और बढ़ चला एक और। बैटमैन, जल्दी चलो, शामरी के साथ साथ पिताश्री व तंत्राल भी नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है वे उस गुफा की ओर चले गए हैं। वह गुफा जिसमें तीन महर्षियों के बीच रखी थी दिव्य शक्ति क्या एक बार फिर इस मुर्दों से सोए हुए नगर को आबाद नहीं कर सकती? कर सकती है, पर उसके लिए हमें शक्ति यज्ञ करना होगा। शक्ति यज्ञ? चौंका एक ऋषि। हाँ, वह यज्ञ करके ही हम दिव्य शक्ति द्वारा पैदा किए गए शून्य काल को हटा सकते हैं। लेकिन गुफा के बाहर खड़ा कोई उनकी बातों पर धरे तक कान। शून्य के हटते ही सब कुछ पूर्व स्थिति में आ जाएगा। अचानक ऋषियों की जुबान पर ताला पड़ गया जब उन्होंने एक धमाके के साथ रोती देखी गुफा के मुंह पर जमी चट्टान। ये क्या? फिर उछले एक साथ। सामने खड़ा था भयानक हंसी हंसता धूमकेता। आखिर तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। हाँ पहचान लिया, लोहांगी के दुष्ट खानाबदोशी मामा। तो फिर ये भी जान गए होगे कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। तीनों ऋषियों ने घेरा डाल दिया दिव्य शक्ति के चारों ओर। हाँ हम जानते हैं तेरे नीच इरादे, पर वे इरादे हमारे जिंदा रहते कभी पूरे नहीं होंगे। मेरा भी इरादा तुम्हें जिंदा छोड़ने का नहीं है, कहकर उछाल दिया तीनों के सिर पर एक जाल। लेकिन तुम्हें तब तक तो जिंदा रखूंगा ही मैं जब तक मैं दिव्य शक्ति को हाथ नहीं लगा लेता। फिर जाल में उनको कैद कर दिया। तब उसने दिव्य शक्ति की तरफ बढ़ाया हाथ कि अचानक ही बिलबिला उठा। सामने खूनी नजरों से योद्धा को घूरता पा होश उड़ गए उसके। तुम? हाँ धूमकेता, और अब तेरा परिचय भी सुन चुका हूं और इतना तो अनुमान लगा ही चुका हूं कि लोहांगू की चोरी के लिए भड़काने वाले शख्स तुम ही थे। एकाएक ही जहर बुझा खंजर निकाल उछाला उसने। जान ही चुके हो तो अब जिंदा रहने का विचार त्याग ही दो तुम योद्धा। पर तभी अचानक दो गोलियां आईं और खंजर हवा में ही टनटनाकर टूट गया। गुफा के द्वार पर खड़ा नजर आया उसे अपना दूसरा काल। ये कौन है? बैडमैन कहते हैं मुझे। योद्धा की तरफ बढ़ने वाले हर मौत के तूफान का सामना करने की हिम्मत है मुझ में, गर्जा योद्धा। चल अपने हाथ पैरों को कष्ट दे और खोल दे उन महान ऋषियों को। अपनी ही मारी गांठ को अब स्वयं खोलने आगे बढ़ा वह। अचानक गूंज उठी गुफा एक कड़कदार स्वर से। नहीं धूमकेता, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है वह गांठ खोलने की। पलटा योद्धा और हैरान रह गया। पिताश्री? हाँ योद्धा मैं। ला पुत्र, वह दिव्य शक्ति मुझे दे दे स्वयं अपने हाथ से। योद्धा के कदमों तले जमीन खिसक गई जैसे। पिताश्री, आप भी दिव्य शक्ति पाना चाहते हैं जबकि आप जानते हैं कि आपका ही पुत्र यानी मैं उसका रक्षक हूं। तभी तो कह रहा हूं पुत्र कि वह शक्ति मुझे दे दे, हम इस मृत संसार को जिंदा करेंगे और राज करेंगे। नहीं हरगिज नहीं, वह शक्ति तीन महान ऋषियों की देन है, उन्हीं की यह अमानत है। उस अमानत में खयानत नहीं करेगा योद्धा। तंत्राल ने कदम बढ़ाया दिव्य शक्ति की ओर। तू कैसा पुत्र है योद्धा, अपने पिता की खुशी नहीं देख सकता? ललकारा पुत्र ने पिता को उसके लालचीपने पर। रुक जाइए पिताश्री, एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिता हैं। जबकि पिता ने बढ़ा ही दिया हाथ दिव्य शक्ति की ओर। मैं जानता हूं तेरे जैसा पुत्र अपने पिता की हत्या करना तो दूर, उंगली भी नहीं उठा सकता। हरकत में आई गई योद्धा के हाथ। तंत्राल! वार भयानक ही नहीं जबरदस्त शक्ति भरा था। जमीन पर गिर आखिरी सांसें गिनने लगे थे। योद्धा पुत्र मुझे माफ करना, पर शांभरी व तपराज की जान बचाने की खातिर यह दिव्य शक्ति किसी भी तरीके से प्राप्त करनी आवश्यक थी। दिमाग की फिरकनी 100 की गति से घूम गई योद्धा की। क्या क्या कह रहे हैं आप? आपको ये सब कहने के लिए मजबूर किया था? किसने किसने? सांसें लड़खड़ाने लगी। उसने रास्ते में ही तपराज को पकड़ लिया और मुझे ये सब करने को मजबूर किया। चंद शब्द बोलकर उनकी धड़कनों ने काम करना बंद कर मौत का ऐलान कर दिया। योद्धा के चेहरे पर क्रोध का भूकंप चलने लगा। क्राइम! चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं विजेता के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।